स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्व विधान परिषद सदस्य एवं एडवोकेट स्वर्गीय नागेंद्र नाथ सिंह की 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर स्मृति व्याख्यान एवं विभिन्न विभूतियों का सम्मान समारोह बुधवार को एक निजी मैरिज हॉल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय नागेंद्र नाथ सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने अतिथियों को अंग वस्त्र एवं पुष्प देकर स्वागत किया। इस अवसर पर संगोष्ठी में ऑनलाइन जुड़े राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भारतीय राजनीति में आध्यात्म की धारा और परंपरा विषय पर बोलते हुए कहा कि यह गुरु गोरक्षनाथ एवं कबीर की धरती है। इन दोनों महापुरुषों की चर्चा दुनिया के हर पुस्तकों में मिलती है। साथ ही साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने भी भारतीय राजनीति में आध्यात्म की धारा और परंपरा विषय पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को अंगवस्त्र स्मृति चिन्ह और पुष्प अर्पित कर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में राममूर्ति, फादर शाबू, शिवपूजन सिंह यादव, हनुमान प्रसाद, राम सिंह, डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद, इंजीनियर राजेश्वर सिंह, महमूद शहीद, डॉक्टर मुमताज खास शामिल रहे। इस अवसर पर अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्वर्गीय नागेंद्र नाथ सिंह के सुपुत्र राजेश सिंह ने कहा, गुरु महाराज जी के बात कर बहुत सारी चीजें आती है, पर मैं उसके विस्तार से बताऊंगा।
की चर्चा से हम बच जाएंगे। मुझे गोरखनाथ जी का प्रसंग याद करते हुए महाकवि सुंदरानंद पंत का एक प्रसंग याद आता है कि भारत के यशस्वी कवि सुंदरानंद पंत जी ने एक ऋषि से पूछा कि भारत के धर्माकाश में कौन से मार्ग है जो सबसे उत्कृष्ट है, जो चमकते हुए सितारे हैं। तो उसे ने नाम दिए कृष्ण पतंजलि बुद्ध महादेव नारायण शंकर गोवर्ध कवि नारद मीरा रामकृष्ण और कृष्ण मूर्ति। पंत जी ने कहा कि विश्व से सात नाम आप मुझे दे, तो जो सात नाम उन्होंने बताया कृष्ण पतंजलि बुद्ध महादेव शंकर गोवर्ध कवि, फिर कहा पांच नाम दे। मैं बहुत विस्तार से इसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि चर्चा होती है। तो उन्होंने तीन चारों से पांच नाम बताए। तो कहा कि जो पतंजलि बुद्ध महादेव ने उस एक की जान बुझाए, अब उनमें से तो उसको जुड़वा तो हाथ काटने जैसा होगा, ये मैं नकल से दूंगा। अभी तक मैं आपकी बात मानकर चलता रहा, संख्या बढ़कर पता चला गया क्योंकि अभी तक जो करना पाए वो वस्त्र था, अब अन्य तोड़ने पड़ेंगे। अन्य मन में कर सकूंगा वो कहने लगे। कुछ प्रश्न थे, एक नियम क्या महंगी कुछ प्रसिद्धि पूर्वक पूर्ण है सद्बुद्धि के साथ लोगों की जान बचाने का काम किया। तालियां तो धीमी हो जाती है तो लगता है कि आपका स्वागत करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी ये थोड़ा सा ध्यान का बड़ा है उस कार्य को जारी रखें। आपने ग्रामीण क्षेत्र में डिग्री कॉलेजेस खोले हैं, शिक्षा को भी आगे बढ़ा रहे हैं, तालियां कम हो जाती हैं तो लगता है आपको ये सम्मान है। शिक्षा के क्षेत्र में आपका महत्वपूर्ण योगदान है, खासतौर से आज के क्षेत्र में 11 पुस्तकें छपी हैं। सबसे पहली पुस्तक गांधीवादी समाजवाद को अंदर एक छपी जो बहुत चर्चा में आई, 50 वर्ष इस यात्रा में 22 साल को और हिंदी में 8 पुस्तकें हैं। जिस तरह से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप कहता हूँ कि पहले ज्ञान बढ़ाओ। 1981 में पुस्तक छपी और इस पुस्तक को उन्होंने 6 फरवरी उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जब वो आई थी लोकार्पण करने 24 फरवरी में, आज उसे रिप्रिंट करिए। और डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज और अंजुमन सलानिया के मैनेजमेंट में आपका योगदान है, आप उसके अध्यक्ष हैं और इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आप इस जगह में अध्यक्ष कर रहे होते तो खुद को लगता है कि बड़े पुरस्कार से सम्मानित हो रहे थे। आपके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करेंगे कि सेवा करते हुए एक अच्छे समाज की परिकल्पना कैसे हो, उसकी जो एक कॉन्सेप्ट को लेकर के आपने पूरे पूर्व उत्तर प्रदेश से लेकर और देश के अंदर कबीर और बुद्ध को एक साथ जोड़ा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये सचमुच जो हमारे बहादुर जी हमारे सांसद रहे हैं और दमदार सांसद, बहुत ईमानदार और कमिटेड। तो एक शब्दार्थ होता है वो है आत्मा और आत्मा से संबंधित, और ये जो आत्मा और आत्म शब्द है वो बहुत गूढ़ है और दुनिया की किसी दूसरी भाषा में इसका अनुवाद नहीं हो सकता है। मैं इसका अनुवाद सोल है, न सेल्फ है, न कॉन्शियस है,
ये भारतीय संस्कृति का एक आठ-दस रूप शब्दों में जो स्रोत शब्द हैं उनमें एक शब्द है। इसके साथ राजनीति का संबंध जोड़ना बहुत उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जो आत्म और आत्मा वगैरह की चर्चा में लगे रहे हैं उसके साथ, लेकिन क्योंकि यह संबंध जोड़ा गया है तो हमारे बड़े विचारकों ने भी इसको जोड़ा है। हमारे यहाँ आत्मज्ञान को सबसे बड़ा ज्ञान कहा गया है, यहाँ तक कि जो हमारे एक बहुत बड़े विचारक कश्मीर के अभिनव गुप्त ने उन्होंने कहा है आत्मज्ञान ही मोक्ष है। और तुलसीदास बहुत सामान्य तौर पर समझे जाते हैं, इसलिए मैं तुलसीदास को उद्धृत करूं, तो उन्होंने आत्मा को परमात्मा का ही अंश माना है, यानी आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं। तो परमात्मा और आत्मा जैसे जैसे विषय पर विचार करना ही आध्यात्म आध्यात्म कहा जाता है। और राजनीति भौतिक जगत की चीज है, इसलिए हमारे बड़े लोगों ने दोनों में समन्वय भी करने की कोशिश की। आत्म को गांधी जी ने व्यक्ति से जोड़ा, विवेकानंद ने व्यक्ति से जोड़ा और भगवान बुद्ध ने भी व्यक्ति से जोड़ा। व्यक्ति और पवित्रता, इन दोनों को उन्होंने आत्मा से जोड़ दिया। ये नगेंद्रनाथ सिंह हमारे पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे और मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी जो उत्तर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित चैरिटेबल सोसाइटी उसके चेयरमैन रहे जब तक वो जिंदा रहे। उनके स्मृति में हम लोग हर वर्ष एक नगेंद्रनाथ सिंह मेमोरियल लेक्चर कराते हैं और जो पूर्वांचल में जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित करते हैं। ये कार्यक्रम 1913 से शुरू है, ये नौवां कार्यक्रम है जिसके मुख्य अतिथि हमारे हरिवंश जी जो सभापति राज्यसभा के थे, वो एयर फ्लाइट कनेक्टिविटी बस नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अपने को कनेक्ट किया और बहुत ही अच्छे विस्तार से उन्होंने भाषण दिया। और इसकी विशिष्ट अतिथि थे डॉक्टर विनोद मल जो गुजरात के महानिदेशक रहे पुलिस के, और इसकी अध्यक्षता किया प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी जी ने जो वाइस चांसलर थे, हिंदी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रहे, और तमाम इस शहर के पूर्वांचल के विशिष्ट लोग बुद्धिजीवी एवरी वॉक ऑफ लाइफ में लोग शामिल हुए, उनके प्रति हमने आभार प्रकट किया। और हम लोग सोचते हैं कि भाई ये देश सभी का है, किसी जात धर्म मजहब से ऊपर उठ के देश है, लोकतंत्र रहना चाहिए, देश की आज़ादी को बचाए रखना चाहिए, देश को विकास के पथ पर चलना चाहिए। और ये 130 करोड़ लोगों का देश है और उस मेरे पिता एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए व्याख्यानमाला आगे भी चलती रहेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और लोगों का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है, लोग भारी संख्या में शामिल भी हो रहे हैं, फेसबुक लाइव भी हो रहे हैं, गूगल मीट भी हो रहे हैं और अच्छा रिस्पांस है।